हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है निखिल डॉक्टर 2020 यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है राजेश पासवान और आज हम एक अरुणाचल प्रदेश की एक सॉन्ग है उस पर हम एक्शन देने वाले हैं और उसका नाम है एक शिमोला। अच्छा, एक शिमोला नाम है, मतलब शायद ये हिंदी सॉन्ग है क्योंकि जो जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के जो सॉन्ग्स होते हैं उनके टाइटल या फिर इंग्लिश में होते हैं या फिर उनकी अपनी लैंग्वेज में होते हैं, और इसका नाम एक शिमोला है। तो मेरे ख्याल से कि ये हिंदी सॉन्ग है। और हाँ, वैसे मैंने सुना भी है कि जो नॉर्थ ईस्टर्न जो सभी स्टेट्स हैं उनमें से अरुणाचल प्रदेश में हिंदी ज़्यादा बोली जाती है, वहाँ के लोग ज़्यादा हिंदी अच्छी बोलते हैं और समझते हैं। और मतलब उन पे क्या है ना, मतलब वो हिंदी ज़्यादा अच्छी तरह से थोड़े मतलब जैसे कि ये नॉर्थ वाले होते हैं या वेस्ट वाले होते हैं उस एसेंट में वो बोल पाते हैं, उनका एसेंट जो है वो थोड़ा वैसा होता है। बाकी क्या होता है कि बाकी कोई और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट वाला जो हिंदी अगर बोलता है मतलब तो क्या होता है कि थोड़ी सी उनमें नॉर्थ ईस्टर्न की थोड़ी झलक मिल जाती है कि है ना, थोड़ा अगर आप कोई और लैंग्वेज बोलो तो अपनी लैंग्वेज की थोड़ी झलक तो आ ही जाती है। पर मैंने सुना है कि अरुणाचल प्रदेश वाले जो हैं वो काफ़ी अच्छी एसेंट में भी एसेंट में हिंदी बोल पाते हैं। चलिए अब देखते हैं क्या है सॉन्ग और कितनी अच्छी हिंदी इसमें यूज़ करी हुई है। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पर शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक टाइम से पहुँचती रहे। चलिए अब देरी करते हैं और शुरू करते हैं वीडियो। 1 2 3 क्या यही इश्क है, क्या यही इश्क है मौला। वाह यार, सही में हिंदी पर अच्छी पकड़ है। मंडला बिल्डिंग मूवी का सॉन्ग है, ये कैपिटल मूवी का नाम। पहली नजर में तू मुझे अच्छा लगा, तेरा मुस्कुराना मेरे दिल को सच्चा लगा। ऐसा वीडियो सही में बहुत अच्छी है सिंगर की, मुझे अच्छा लगा। सही बोलते हैं लोग, अरुणाचल प्रदेश वालों की हिंदी अच्छी होती है। दिल को सच्चा लगा, ऐसे ही नजर में मिलकर रहना मुझे, यूं ही ख्वाबों में तू हर दम आते रहना मेरे। ऐसा लग रहा जैसे कोई बॉलीवुड का सॉन्ग हो। यही ख्वाब में तो हर दम मातरे न मेरे, क्या यही इश्क मौला, 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 क्या यही इश्क मौला। तू ही साथ है, तू ही पास है, मुझको ये एहसास है, मोरा तू ही जाने अब तेरे बिन कैसे जीऊं कैसे मरूं। तू ही साथ है, तू ही पास है, मुझको ये एहसास है, मोरा तू ही जाने अब तेरे बिन कैसे जीऊं कैसे मरूं। तिब्बत में कुछ लिखा हुआ था ना, अरुणाचल प्रदेश में तो पापा की तिब्बत जैसा ही है।
जगह बड़ी सही तुझे है। ही देखूं, तुझे ही सोचूं। सिंगर कितनी अच्छी पुकारा है हिंदी में। दोनों सिंगर अच्छे हैं, मेल वाले मेल जो पहली नजर में तू मुझे अच्छा लगा, तेरा मुस्कुराना मेरे दिल को सच्चा लगा। सॉन्ग था यार, और दोनों ही सिंगर्स ने मेल फीमेल बहुत ही अच्छी तरह से हिंदी सॉन्ग गाया। और ये एक मूवी का सॉन्ग है, मूवी का नाम बताया था बीच में, कैपिटल। देखनी पड़ेगी मूवी यार, क्या ये अगर आप में से किसी ने देखी है तो पूरी मूवी जो है वो क्या हिंदी में, ज़रा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं देखना चाहूँगा मूवी। पहली नॉर्थ ईस्ट की मूवी जो हिंदी में होगी, मैं तो अब तक कोई नॉर्थ ईस्ट की मूवी देखी नहीं है, और अगर ये हिंदी में है तो मैं इसे ज़रूर देखूँगा। तो मुझे अगर किसी ने भी देखी है तो ज़रा प्लीज़ बता देना कि ये मूवी पूरी हिंदी में है या फिर कैसे है,
और अगर आपको कहीं से मूवी का लिंक वगैरह मिल जाए तो मुझे भी सेंड कर देना, मैं भी देख लूँगा। तो क्या पता मैं रिएक्शन दूँ पूरी मूवी पे, 2 घंटे की मूवी का रिएक्शन बहुत लंबा हो जाएगा। चलिए ट्राई करूँगा, अगर इतना लंबा मैं शूट कर पाऊँ तो। वैसे मेरा मेमोरी कार्ड फुल हो जाएगा, इतनी लंबी फाइल तो वो शायद शूट नहीं कर पाएगा, देखेंगे अगर हम कर पाए तो। बाकी सॉन्ग बहुत अच्छा था, और ये वो बात बिल्कुल सही है कि अरुणाचल प्रदेश वालों की हिंदी सही में बहुत अच्छी होती है। सही में यार वो हिंदी में वो जो सुर सुर को जो वो छेड़ रहे थे ना, वो जो लंबे सुर होते हैं वो सब तो एकदम क्लासिकल जो हिंदी म्यूजिक होता है ना, मतलब उनमें होता है, और वो सब बखूबी कर रहे थे वो। एकदम ऐसा लग रहा था जैसे कोई बॉलीवुड का सॉन्ग हो, बहुत ही अच्छा सॉन्ग था। ऐसे सॉन्ग्स मुझे और रिकमेंड करते रहिए। अब मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।